पता है मैम, फिर रितेश ने मुझसे क्या पूछा, उसने मुझसे कहा तू मेरे घर पार्टी के लिए आ रही है तो मैं अंदर ही अंदर चिल्लाएंगे, पर मैंने आराम से कहा देखती हूँ। फिर पता है मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा बस अपनी प्यारी सी स्माइल ले आना। फिर तो मुझसे रुका ही नहीं गया, मैं जोर से चिल्लाई ये। माँ गलत जवाब पैम, क्या करिए, पीस 20 पे देख, ध्यान से देख। विकी कहाँ है? शायद सनी के साथ किचन में। निकी ने किया, निकी ने किया, मैंने नहीं। आयो रब्बा, सनी। माँ निकी को मिल्कशेक चाहिए था तो बड़े भाई होने के नाते मैं मिल्कशेक बना रहा था, लेकिन निकी तो मिक्सर पे ढक्कन डालना ही भूल गई, फिर मेरी गलती कैसे हुई? हाँ बेटा, तुझे लगा कि निकी मिक्सी चला सकती है? हाँ, लेकिन वो चला ही नहीं पाई, देखो कितनी उम्मीदें थी मुझे उनसे। जॉली अंदर आ इसी वक्त। ओ तेरी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जॉली ये क्या है? निकी की उल्टी तो नहीं हो सकती, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। दीदी मैंने आपसे पूछा था ना कि मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना दो, लेकिन आपने किया और फिर अपने पार्टी के बारे में बात करने लगी। माँ स्वराज पार्टी, वो क्या है ना, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। बस बहुत हो गया सनी, आज नो टीवी, नो कंप्यूटर, नो वीडियो गेम। लेकिन माँ। वेरी गुड माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए तभी ये सुधरेगा। और तुम पूरा दिन इस पर नजर रखोगी हर समय। लेकिन माँ। और तुम निकी पर भी नजर रखोगी। पर माँ मुझे पार्टी में जाना है। हाँ हाँ स्वराज की पार्टी ना। डॉली मुझे झूठ से सख्त चिढ़ है। मेरा बच्चा, तुम दोनों ये किचन साफ करोगे, मुझे एक निशान भी नहीं मिलना चाहिए, समझे? तब तक मैं अपनी छोटी सी निकी को निला के आती हूँ। ये तो बड़ा स्वादी है ना, मैं तो तुझे चाट चाट के भी साफ कर सकती हूँ, चल मेरी निकी। खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, ऐसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा सन बेबी समझ ले तू भी नैपी, बांध हो जब तू तैयार, आजा सन बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया, थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे पले पले साथ साथ। हाय पापा। गुड मॉर्निंग। तुमने कार साफ की? पापा जब आपसे कोई गुड मॉर्निंग कहे तो उसका जवाब होता है गुड मॉर्निंग। सॉरी तुमने कार साफ की? पापा आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ, अवतार बिजली कंपनी के लिए एक एड बनानी है, जिंगल रिकॉर्ड करना है। एड के लिए जिंगल? मतलब कि गाना? हाँ, एक ऐसी ट्यून जो लोगों के दिमाग पे छा जाए और मेरा धंधा खूब चले। केबल पे चलानी है। जी हाँ बहनों और भाइयों, अवतार बिजली कंपनी का नया गाना, छोटा सा। एक मिनट एक मिनट, पापा आप जानते हो ना कि मेरा और पोपी का एक म्यूजिकल बैंड है। एक मिनट एक मिनट, रोहन तुम जानते हो ना कि हमारी गाड़ी बहुत गंदी है। पापा जब घर में ही काम हो सकता है तो बाहर जाने की क्या जरूरत, हम गाना बना देंगे। रोहन म्यूजिक तुम्हारा सिर्फ शौक है, गाना बनाना इतना आसान नहीं है, ये जिनका काम है उन्हें करने दो। पापा मुझे बस एक मौका दो, एक मौका आग लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, देखो मैं उनसे मिलने तो जा ही रहा हूँ, अगर तुम्हें गाना तैयार करना है तो तुम कर लो, अगर तुम्हारा गाना ज्यादा अच्छा हुआ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पापा आप निराश नहीं होंगे, एक दिन जब आपका बेटा एक बड़ा अवार्ड जीतेगा बेस्ट बिजली गाने का, तो मैं पूरी दुनिया को बोलूंगा कि ये अवार्ड मेरे पापा के लिए है।
मैं एक घंटे में वापस आ रहा हूँ, मुझे गाड़ी साफ चाहिए। ओके। सनी, ये तुझे क्या हुआ? पूरा दिन बिना टीवी, बिना कंप्यूटर, बिना कोई वीडियो गेम में तो पागल हो रहा हूँ। तो कोई बुक पढ़ ले। बुक? हाँ, क्यों नहीं? उसके पहले तो मैं करेले का जूस भी पी लेता हूँ। तुम जानती भी हो क्या मुझे दीदी? अजीब दिमाग। वैसे तुम जा रही कहाँ? मैं निकी के लिए डायपर लेने जा रही हूँ। हाँ, तो मुझे भी रिक्शा लेके चलो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। सही, हम डायपर खरीदने जा रहे हैं, तो साथ चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस बंटी का काला मुंह नहीं देख सकता। प्लीज मुझे ले जा, प्लीज। ठीक है ठीक है। अजीब सा दिमाग। चलो निकी, डायपर लेने चलते हैं। चलो निकी, चलो। अच्छा पोपी, बता कहाँ तक पहुँचे? अवतार बिजली कंपनी। अच्छा, ABC गाना नंबर 1। ठीक है, आगे? बस इतना ही लिखा है। तो सोच यार, सोच, आगे बढ़, दिमाग लगा। देख, पापा का नाम है अवतार, यानी अवतार से मिलते जुलते शब्द सोच। अवतार, 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 अवतार। बेकार, लाचार, बीमार। यार ये गाना लिखना बहुत मुश्किल है। माँ कुछ करो ना, हमें इंस्पिरेशन चाहिए, इंस्पिरेशन। बेटा जी, तुम दोनों तो बच गए, क्योंकि स्कूल में और फिर कॉलेज में मैंने ढेर सारी कविताएं लिखी जो कई मैगजीन में भी छपी थी। माँ, इंस्पिरेशन से मेरा मतलब था कुछ सैंडविचेस मिल जाते। मेरी पहली कविता जिसकी खूब सारी तारीफें हुई थी, उसका नाम था ओए टमाटर। पांडी जी, ये तो बहुत बढ़िया। ओए टमाटर, ओए टमाटर, कटता है तू, पिसता है तू, तलता है तू, लेकिन देता स्वाद सबको, पिस पिस कर, कट कट कर, ओए टमाटर, ओए टमाटर, हर सब्जी में मिल जाता है तू, चटनी भी बन जाता है तू, और कई बार मुंह पे मारने के भी काम आता है तू। ओए टमाटर, ओए टमाटर, पिस पिस कर, कट कट कर, एक औरत की तरह बलिदान दे देकर रहता है तू मर मर कर, लेकिन फिर भी लगता है तू लाल खुशहाल। ओए टमाटर, क्या दिन थे वो, कविता मेरे नस नस में होती थी। सुन, मेरे घर चलते हैं। सनी अवतार सिंह, तो फिर आ गया। संधू अंकल, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हमारी कहानी काफी पुरानी है। एक बार बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर तुमने कुछ तोड़ा या तुमने कुछ गिराया या कोई तुमने आज बदमाशी की, मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे संधू अंकल, आज तो आप बहुत पतले लग रहे हो। मैं मजाक कर रहा था। मेरी नजर तुझ पे है बच्चों, बच के रहना। गोला तो ठीक है, ये पेपरमिंट किस लिए? धमाके के लिए दीदी। अगर आप इस पेपरमिंट को इस बॉटल में डालोगे तो गैस बाहर निकलता है, वारे की तरह। काश तूने इतनी साइंस स्कूल में पढ़ ली होती, वापस रख दे थे। क्यों? अगर आप अपना रब ग्लोव ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। चला, वापस रख। गुड बॉय, थैंक यू। ये घंटी क्यों बजी? पता नहीं। सनी अवतार सिंह, क्या मैंने कुछ भी नहीं किया है? अभी पता चलेगा, रसीद दिखाओ। लाओ ये रसीद। हाँ, डायपर तो ठीक है, मगर चश्मा मुझे नहीं दिख रहा। क्यों,
चश्मे के पैसे देने भूल गए क्या? देना तो तब भूलेंगे जब हम लेंगे, हमने तो चश्मे लिए ही नहीं। अगर आपने चश्मे पहने होते तो आप देख सकते। अच्छा, किसी ने तो चश्मे लिए। निकी ने गलती से उठा लिया और मैं पता भी नहीं चला। आजकल निकी बहुत शरारती हो गई है। दे दो निकी। ये लीजिए। मुझे तो हंसी नहीं आ रही, ये चोरी है, शरारत नहीं। ए, पुलिस को फोन करो। पुलिस? आप इतनी छोटी बच्ची को गिरफ्तार करवाओगे? या तो ये छोटी सी बच्ची है या बड़े गैंग का छोटा सा हिस्सा। सच्चाई का पता चलेगा जब पूरी तहकीकात होगी। चलो चलो मेरे साथ अंदर। ये क्या कर रहे हो? ऐसे छोटे बच्चे की कोई फोटो खींचता है जैसे कि कोई अपराधी हो? चोर पकड़ने के बाद हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाई होती है। यही लोग चोर हैं? एक नंबर के छठे कोई बदमाश, और खास करके जो वो प्रेम में है। हाँ सर, मैंने पुलिस को फोन किया था लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि ये चोरी बहुत छोटी है तो वो 4-5 घंटे के बाद ही आ पाएंगे। 4-5 घंटे? अरे नीति, अरे कुछ तो काम सही किया करो ना। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है सर? मुझ पर मत चिल्लाइए प्लीज। जब भी मुझसे कहती हो ना मुझ पे मत चिल्लाइए सर, मेरा दिल करता है कि मैं तुम पे और जोर से चिल्लाऊं। देखिए आप लोग जो भी कर रहे हैं ना शायद वो जरूरी हो, लेकिन जल्दी करिए क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है। तुम पार्टी में जा रही हो? कितनी अच्छी होती है ना पार्टी। तू लड़की, चोरों के साथ दोस्ती मत करो। और हाँ, आप सब बैठ के यहाँ आराम करिए, मुझे लगता है कि कुछ घंटे यहाँ रहने होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं संधु अंकल, मैं तो आराम से बैठ के टीवी देख सकता हूँ यहाँ पे। अरे लल्लू, वो टीवी नहीं, सिक्योरिटी कैमरा मॉनिटर है। क्या हुआ? इसमें स्क्रीन है और तस्वीर भी है, बस मैं खुश हूँ। नीति वाघमारे प्लीज अकाउंट सेक्शन में आइए। सर, मुझे अकाउंट सेक्शन में बुलाया गया है। मुझे सुनाई देता है? सनी, हमें इस खड़ूस संधू अंकल से बच के निकलना ही होगा, अभी ये पार्टी मिस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी शरारत करनी पड़ेगी। कुछ भी करो सनी, मुझे यहाँ से बाहर निकालना। क्या कुछ? नो लिमिट्स। नो लिमिट्स? मुझे इस दिन का इंतजार था। ए, चुपचाप बैठो, कोई खुशफुस नहीं। संधू अंकल, क्या है? तो बाथरूम जाना है। ये कौन सी नई तरकीब है? कोई नई नहीं, बहुत पुरानी तरकीब है। यहाँ से पानी पीता हूँ और पानी कहीं और से निकल जाता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता? चलो चलो। और तुम किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझी? मतलब ऐसा कुछ। अरे रुको, जाना तो मुझे, आपका भाग लो। हाँ तो बच्चों, क्या तैयार किया सुनाओ। पापा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हमारा पहला गाना, जिसका नाम है पहला गाना नंबर 1। 1, 2, 3, 4। जब 100 वाट का बल्ब हो और 40 वाट का हो ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हाथ से ले जाए चमक करना होता है, तो बस फोन करो ABC अफ्तार बिजली कंपनी। अफ्तार बिजली कंपनी, yeah। तो बाबा कैसा लगा? हिट है ना? हिट तो है बेटा, सीधा मेरे जबड़े पे हिट हुआ, ऊपर का दांत मिल गया। संधू सर कहाँ गए? बाथरूम में। ओह नो,
इसका मतलब आधे घंटे तक मुझे सब कुछ यहाँ अकेले संभालना पड़ेगा। क्या करूंगी मैं? ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। क्या आवाज? ये आवाज म्यूजिक क्लास में? कहीं तुम सीटी भाग मारे तो नहीं? नहीं नहीं, मैं नीति भाग मारे हूँ। पक्का? मतलब मेरी पीठ पीछे मुझे लोग सीटी भाग मारे बुलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संधू सर मुझे फटा हुआ तबला बोलते हैं। अच्छा नीति, एक बात बताओ, वो तुमसे इतनी बुरी तरह से बात क्यों करते हैं? वो मेरे बॉस हैं, वो जैसे भी बात करेंगे मुझे तो झेलना ही होगा। नहीं नीति, बिल्कुल नहीं। अगर वो तुम पे भड़के तो तुम भी उन पे भड़को। लेकिन मुझे ठीक से भड़कना नहीं आता। तो सीखो, वो तुम्हें अपनी जूती की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा? हाँ, हिम्मत रखो, आंख से आंख मिलाकर बात करो। अगर वो संधू सेठ है तो तुम भी सीधी वाग मारे हो। नीति वाग मारे? बस यही गुस्सा देखना चाहती हूँ मैं। बता दो उन्हें कि तुम कौन हो, बचा दो संधू सर की सीटी। संधू सर अभी के अभी स्टोर रूम में आइए। अभी प्लीज। चाहे हो कद्दू की सब्जी, रखी हो भिंडी, जब कुछ भी ठंडा करना हो या गर्मी हो, गर्मी में सर्दी हमेशा बुलाओ अफ्ताब बिजली कंपनी। अरे बस 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 रोहन पोपी बस। पापा अगला अंतरा तो सुनो, उसमें आपका फोन नंबर भी है। 30 सेकंड का जिंगल बनाना था, लोगों को ये नहीं बताना कि बिजली कैसे बनती है। सेकंड? लेकिन 30 सेकंड क्यों? अरे क्योंकि केबल पे 30 सेकंड की ही ऐड चलती है। पापा अब मेरी कला पे ऐसे समय की पाबंदी नहीं लगा सकते। देखो साफ साफ सुन लो, मुझे तुम्हारे इन सब गानों में से कोई भी गाना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे गाने बेकार हैं। मुझे दुकान चलाने के लिए जिंगल बनाना है रोहन, दुकान उड़ाने के लिए नहीं। साकिर हुसैन की छठी वाला दे। वैसे रोहन ये कौन से गाने में इस्तेमाल करना था? बिजली की रानी। क्या कहा तुमने? मैं अभी के अभी यहाँ हूँ। नीति आपसे बात करना चाहती है। वो आपसे कहना चाहती है कि वो आपके पैर की जूती नहीं है, आप उससे तमीज से बात करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो आपसे ऐसी बात करेगी जैसा मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए बात करूँ। मिस्टर सत्तू जल्दी आइए, इमरजेंसी है, लाइन 2 में ज्वालामुखी। ये दुकान में ज्वालामुखी? चलने की भाग चली। We'll be right back.
क्या हो बेटा, सब ठीक तो है? पापा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको क्या लगता है कि मेरा जो ये संगीतकार बनने का सपना है, मुझे छोड़ देना चाहिए? बेटा देखो, इस सवाल का जवाब तो दुनिया में एक ही आदमी दे सकता है, और वो हो तुम खुद। तो फिर मैं ये सपना नहीं छोड़ना चाहता पापा। ये हुई ना बात। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ भी करना, अफसोस मत करना, किसी भी चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए, और ये बात मुझसे अच्छे तरीके से और कौन जान सकता है। लेकिन आपको किस बात का पछतावा है? मुझे रेसलर बनना था बेटा। मैंने तो द ग्रेट खली की तरह एक नाम भी सोच लिया था, खूंखार अवतार। खूंखार अवतार? फिर क्या हुआ? और भी गम है जमाने में बेटा। हमारी माँ से मिला, शादी हो गई, घर की जिम्मेदारी, काम का बोझ, और बस। लेकिन शायद अच्छा ही हुआ। अगर तुम टीवी पर अपने पापा को लंगोट पहनकर लोगों को पीटते और मारते देखते तो अच्छा लगता क्या? क्या बात कर रहे हो पापा, मुझे तो बहुत मजा आता। मुझे भी बहुत मजा आता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। पापा, जब आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया तो मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैंने और एक गाना बनाया। सुनो। यो 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 यो, घर की बिजली जब करे खुजली, शॉक लगे जब इन योर उंगली, आसान बिजली कंपनी, आसान बिजली कंपनी, ये कैसा लगा पापा? पापा पापा हाँ दे यार। ओ नीति, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। भूल गई ना था। हाँ, संधू सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो फिर कांग्रेट्स। तुम्हें पता है, जब से मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरे मुंह से सीटी निकलनी बंद हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं नर्वस हो जाती थी ना, तो मेरे मुंह से सीटी निकलना शुरू हो जाती थी। अब मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, तुमने मुझे उस खुसट संधू सर के सामने हिम्मत दी। म्यूजिक क्लास में मिलेंगे। नीति, तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? सच? मुझे कभी किसी ने पार्टी में नहीं बुलाया। अरे बहुत मजा आएगा, वहाँ ढेर सारे लोग होंगे, लड़के लड़कियाँ, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजेगा, मस्ती डांस धमाका, बहुत मजा आएगा। अच्छा, लड़की शोर डांस, मजा आएगा। फिल्म की आज का दिन कमाल का था। पहले तुमने वो चश्मे उठा लिए और हम गिरफ्तार होने से बच गए। फिर पार्टी में खूब सारी मस्ती की, लेकिन इससे भी ज्यादा मजा आया उस सड़ू संधू अंकल को मजा चखाने में। और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि हमने मस्ती भी की और मम्मी पापा को पता भी नहीं चला। जानी बेटा, एक बात पूछनी थी, पूरे जनरल स्टोर में निक्की की तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? निक्की, अगर मैं इस बार फंस गई ना तो तू भी नहीं बचेगी। बेस्ट लक निक्की।